अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वीडियो मुकम्मल देखें क्योंकि बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगु है एक जहन्नमी आदमी और अल्लाह के बीच। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी बंदा जिसे अल्लाह पाक जहन्नम से निकालेगा, पता नहीं कितने हज़ार साल जहन्नम में जलने के बाद जब बाहर आएगा तो पलट कर जहन्नम की तरफ देखेगा और कहेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस दर्दनाक अजाब से निजात दे दी। उसे सामने एक पौधा नज़र आएगा तो कहेगा, इतना अरसा बीत गया, न ठंड देखी, न रहमत देखी, न मिठास चखी, न पानी चखा। तो कहेगा, अल्लाह मुझे इस साए के नीचे कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक फरमाएंगे, जा वो साया तुझे नसीब कर दिया। तो कहेगा, अल्लाह बस ये आखिरी दरख्वास्त है, तेरी इज्जत की कसम इसके बाद कोई मुतालबा नहीं करूँगा, बस इस दरख्त के नीचे पहुँचा दे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, जा तुझे नसीब किया, एक और बड़ा दरख्त दिखेगा। तो फिर थोड़ी देर के बाद कहेगा, अल्लाह मैं दुनिया में तेरी रहमत को पहचान नहीं सका, अब तो तू अपनी रहमत दिखा, बस इस दरख्त के नीचे पहुँचा दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तेरी इज्जत की कसम आखिरी मुतालबा है, अब कोई मुतालबा नहीं करूँगा। अल्लाह कहेगा, इतना बड़ा नाफरमान मुजरिम आदमी, फिर फरमाइश शुरू कर दी है, शुक्र नहीं करता, जहन्नम से निकाल दिया है। तो कहेगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, बस अब नहीं कहूँगा, ये आखिरी मुतालबा है। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, जा तुझे नसीब किया। फिर वो दरख्त के नीचे जाकर बैठेगा तो थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद उसे जन्नत में एक मकाम नज़र आएगा। उसे देखेगा तो हकीर हो जाएगा, लेकिन दिल में ख्याल आएगा कि अब अगर मांगा तो कहीं अल्लाह दोबारा जहन्नम में न भेज दे, लिहाजा चुप करके बैठा रहेगा। लेकिन अंदर दिल ही दिल में उबाल उठेगी कि मांगूं, लेकिन डर से मांगेगा नहीं कि इतनी दफ़ा किस कस्में खाई, तोड़ दी, कहीं अल्लाह दोबारा जहन्नम में न भेज दे। तो चुप करके बैठा रहेगा। अब अल्लाह तो अंदर के भेद भी जानता है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह कहेगा, मांगते क्यों नहीं हो, मांग क्यों नहीं रहे मुझसे। तो कहेगा, अल्लाह मैंने इतनी दफ़ा मांगा, अब मांगने में शर्म आती है, तेरी इतनी दफ़ा कसमें तोड़ी है, अब तेरी कसम तोड़ते शर्म आती है। तो अल्लाह पाक कहेंगे, लगता है तूने मुझे समझा ही नहीं है, ऐ मेरे नाफरमान बंदे, जिसने मुझे पूरी ज़िंदगी खुश करने का एक काम भी नहीं किया। अगर मैं तुझे आज तक दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितनी नेमतें पैदा की है उनको 10 से ज़र्ब दे दूँ, और ज़मीन और आसमान के बीच जितनी भी खुली चीज़ है उनको 10 से ज़र्ब दे दूँ, और इतनी बड़ी जन्नत तुझे दे दूँ, तो तू क्या कहेगा। तो उस बंदे के मुंह से बेख्तियार निकल पड़ेगा, या अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ और तू रब हो के मेरे साथ मजाक तो न कर। तो हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जवाब में मुस्कुरा पड़ेंगे, उससे राज़ी हो जाएंगे और फरमाएंगे, मजाक नहीं कर रहा, जा तुझे मैंने उतनी बड़ी जन्नत इनायत कर दी। सुभान अल्लाह। इस वाक़े को सही बुखारी और सही मुस्लिम से यकजा करके ज़िक्र किया गया है। तो देखा आप लोगों ने कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि एक नाफरमान से भी उससे जन्नत इनायत करने पर कादर है। तो हम तो दुनिया में रहकर अल्लाह से तौबा करें और उन्हें राज़ी कर लें, उन्हें खुश कर दें। अल्लाह हमारा दिल देखता है, हमारा जिस्म नहीं, हमारे आमाल नहीं, हम वो अमल कितना दिल से कितनी पुख्तगी से कर रहे हैं अल्लाह वो देखता है। तो हम इंशाल्लाह दिल से हर अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले बने, क्योंकि अल्लाह बड़े मेहरबान हैं और हमें माफ़ करने पर कादिर है। तो हम उनसे तौबा तलब करें। जज़ाकुल्लाहु खैरन।